वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम कुछ अच्छा मस्ती करेंगे। देख के हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे तो हमने सोचा कुछ अच्छा करा जाए, कुछ मस्ती करी जाए। वैसे भी आज अलविदा जुमा है, काफ़ी मेहमान आएंगे घर, तो उन्हें उनके तैयारी भी करनी है, कुछ सामान लाना है घर के लिए, फल फ्रूट जो भी हैं वगैरह वगैरह। तो अम्मा ये नहीं थी शॉपिंग करने के लिए चले जाओ, लेकिन लॉकडाउन लग रहा है तो हम यहीं से छोटे मोटे दुकानों पे से सामान ले आएंगे। ज़्यादा दूर नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस वालों की वजह से, आप समझ सकते हैं लॉकडाउन है यार, कैसे जा सकते हैं हम दूर। तो ये हम अभी तो यहीं हैं, हम सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें, समझ में नहीं आ रहा क्योंकि रोज़ नए नए गेम खेल खेल। तो गाइस अभी हमारे पास कोई काम नहीं है तो अभी हम ऊपर आ गए हैं छत पर घूमने। कोई काम नहीं था तो मैंने सोचा ऊपर घूमने आ ले, मैं आपको लगे हाथ ये भी दिखा दूँ। अभी तक ये रूम जो है हमारा फाइनल नहीं हुआ है, शायद जल्दी ही हो जाए। वैसे पानी वानी का कनेक्शन जो है वो सब हो चुका है, और यहाँ पिछले ब्लॉग में प्लास्टर भी नहीं था तो हमने प्लास्टर भी करवा दिया यहाँ पर। और गाइस हमें बिल्कुल भी यहाँ पर अभी जैसे ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं हो रही है। वजह ये है गाइस कि हमारे घर के पास जो है आप देख ही रह सकते हैं कि पेड़ पौधे जो है, पेड़ बहुत ज़्यादा है हमारे एरिए में। मतलब आपको हर जगह एक ना एक जगह वो देखिए पेड़ देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। तो इस वजह से हम वो बिल्कुल साफ स्वच्छ ताज़ा ऑक्सीजन मिल पा रहा है, तो हमें इसकी बहुत खुशी है कि हम ताज़ा ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। हमें घुटन सी महसूस नहीं होती है, देखिए गाइस वो देख सकते हैं, हाँ मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए। ये देखिए ये पेड़ है, वहाँ देख सकते हैं आप, वहाँ भी पेड़ है सारे, मैं आपको दिख रहा है घर के पीछे कितने पेड़ हैं इस कॉलोनी में। इधर देखिए आप, उधर पेड़ नज़र आ रहे होंगे आपको, वो सामने उधर पेड़ ही पेड़ पेड़ ही, तो इतने पेड़ हैं हमारी कॉलोनी में, इसलिए हमें सुकून है थोड़ा बहुत। पहले तो गाइस अब मिलते हैं हम आपको शाम को, अभी हमें थोड़ा सा काम है इसलिए हमें ब्लॉग यहीं पर रोकना पड़ेगा। आ गए वापस, आप देख सकते हैं शेरी का होगा वक्त, तो हमारे भाई लोग को डिस्कस कर रहे हैं बैठ के, ये लोग पता नहीं कैसे शायद यूट्यूब के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। गाइस अच्छा मौसम हो रहा है, थोड़ी ठंडक सी महसूस हो रही है, देखिए यहाँ पर लाइटिंग काफ़ी है, नीचे भी बहुत सन्नाटा हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। रोड पर कुछ लोग आपको चलते फिरते नज़र आएंगे लेकिन अभी नहीं दिखेंगे क्योंकि अंधेरा हो रहा है। एक भाई साहब वो सामने टहल रहे हैं नीचे फोन लेकर, और इधर भी काफ़ी चहल पहल हो रही है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या है, ये देखिए कीड़े से डर के, कोई कीड़ा आ गया है इनके ऊपर तो ये डर गए हैं, कोई कीड़ा था यहाँ, क्या था ये, बोतल तो नहीं थी, बोतल कंधे पे घूम रही थी। अच्छा कंधे पे घूम रहा था कुछ, चला गया मेरा तो यहाँ पर भाईयान के कंधे पे कुछ घूम रहा था, सबके सब अच्छे खासे डर चुके हैं और इन्होंने डर के मारे अपना फोन भी तोड़ लिया है, काफी ज्यादा टूट चुका है फोन, देखे एक तरीके से फोन की बर्बादी लग चुकी है, एक कीड़े ने करवा दिया अच्छा खासा 2200-2300 रुपये का नुकसान। अब इसकी ओरिजिनल डिस्प्ले 2200-2300 से कम में तो नहीं डलेगी, मुबारक हो आपका फ़ोन टूट चुका है, एक कीड़े ने दिया आज इन्हें अच्छा खासा नुकसान। चेहरे के एक्सप्रेशन दिखाएंगे आप कैसे, आपके कीड़े ने डरा दिया, अफसोस है कि मेरा फ़ोन टूट चुका है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कीड़ा अपना काम करके चला गया है, कीड़े को ढूंढना जा रहा है कि बदला तो जरूर लूंगा फोन टूटने का। अब नहीं मिलेगा, वो भाग गया डर के मारे के, भैया फोन टूट गया है मुझसे एक का। चलो तो गाइस मैं आपको नीचे के हाल चाल दिखा, तैयारी अभी लगभग कंटिन्यू चली रही है। ये कुछ बच्चे हैं जो अभी छत पे से कीड़े से डर के आए हैं, अपना काम बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पंखा चला दो भाई जो है। आपको ज़्यादा दुख तो नहीं हुआ है आपका फ़ोन टूटना है, टेंशन मतलब मैं डलवा दूंगा नहीं डिचिले, अफसोस की बात है गाइस बेचारों का अच्छा खासा नुकसान हो चुका है एक कीड़े की वजह से, पता नहीं कौन क्या था वो
क्या नहीं था, यहाँ पर सब बैठे थे। अचानक से कंधे पर कुछ आ गिरा तो ये लोग डरे, भाई खड़े हुए तो उनका हाथ में से फ़ोन गिरा इस जगह पर, वो फ़ोन टूट चुका है। अब लॉकडाउन चल रहा है, एक और मतलब खर्चा बढ़ गया है काफ़ी, कि क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए। आप देखते हैं लॉकडाउन खुलेगा तो इंशाल्लाह फ़ोन की डिस्प्ले हम जल्दी बदलवा लेंगे। तो गाइस अभी हम लोग शेयरी करने जा रहे हैं, मिलते हैं शेयरी के बाद। फाइनली गाइस शेयरी के बाद हम आ चुके हैं घर पे और थोड़ा सा दिन भी निकल रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी तकरीबन 5:30 बज रहे हैं तो हम लोग नानी के यहाँ से घर पर आ गए हैं। रास्ते में ना आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाया हो, काफ़ी अंधेरा था, आप लोगों को समझ में नहीं आता। तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।